हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने पुनः साइलेंट रूल्स लेके आया हुआ हूं। यानी कौन कौन से वर्ड के हैं, यानी कि एन और पी के साइलेंट रूल्स लेके आए हुए हैं। तो इनको ध्यान से समझें, सोचें और याद करें। इधर ध्यान दें, एन साइलेंट के रूल पढ़ रहे हैं हम। यदि किसी शब्द में एम और एन कैसे आ जाएं, यदि किसी शब्द में एन अक्षर और एम अक्षर यानी कैसे आ जाएं, तो उस स्थिति में एम और एन में से साइलेंट कौन सा रहता है। जैसे AUTUMN को क्या कहेंगे, इसमें एन से कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। अर्थात एन कैसा है इसमें, साइलेंट। जैसे DAMN को क्या कहेंगे, इसमें एन से कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। अर्थात एन कैसा है। साइलेंट। ऐसे ही COLUMN को क्या कहेंगे, कॉलम। इसमें एन से कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। अर्थात एन कैसा है। साइलेंट। HYMN इसको क्या कहेंगे, हाइल। इसमें एन से कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। अर्थात एन कैसा है। साइलेंट। कहने का तात्पर्य यह है, यदि किसी शब्द में एन और एम साथ साथ आ जाएं, अर्थात एम और एन कैसे आ जाएं, तो उस स्थिति में एन साइलेंट होता है, अर्थात उसका कोई भी उच्चारण नहीं होता। अब पढ़ेंगे हम पी साइलेंट के रूल। इधर ध्यान दें, यदि किसी शब्द में एस से पहले, यदि किसी शब्द में किस से पहले, एस से पहले कौन सा लेटर आ जाए, पी। तो उस स्थिति में पी कैसा रहता है। साइलेंट। जैसे PSYCHOLOGY इसको क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। इसमें पी से कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। अर्थात पी कैसा है इसमें, साइलेंट। ऐसे PSYCHIA इसी में TRIST इसको क्या कहेंगे, साइकेट्रिस्ट। अब इसमें पी से कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। अर्थात पी कैसा है इसमें, साइलेंट। ऐसे PSYCHO इसी में TRAPY इसको क्या कहेंगे, साइकोथेरेपी। क्या कहेंगे, साइकोथेरेपी। इसमें पी से कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। अर्थात इस वर्ड में पी क्या है, साइलेंट। साइलेंट। और यानी साइलेंट का मतलब जिसका कोई उच्चारण नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंड। यस सर। इसी तरीके से आपको घर पे याद करना है।